तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा प्राइम की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे एक बार फिर से टोटल न्यूज की खबर का असर हुआ है। जी हां, टोटल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। टोटल न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आए प्रशासन। कृषि विभाग की टीम पहुंची लेडी फार्मर अमरजीत के घर। कृषि विभाग की टीम के डिप्टी डायरेक्टर ने लेडी फार्मर अमरजीत को सम्मानित किया। डिप्टी डायरेक्टर ने अमरजीत के जज्बे को दुनिया के सामने लाने के लिए मीडिया का धन्यवाद दिया। अमरजीत खेती के साथ पूरे परिवार को संभालती हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अमरजीत पर है। टोटल न्यूज ने दिखाई थी अमरजीत की मेहनत और जज्बे की पूरी कहानी। सम्मानित होने के बाद अमरजीत का देश की बेटियों के नाम संदेश भी आया। बेटियां कुछ ऐसा करें जिसमें मां बाप को बेटी पैदा होने का गुमान हो, ये बात अपने संदेश में अमरजीत ने कही। तो आपको बता दें कि टोटल न्यूज ने दिखाया था किस तरह से पूरी मेहनत पूरी लगन से अमरजीत खेती करती हैं और इसी की खबर को देखने के बाद प्रशासन हरकत में आया। सबसे पहले तो हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बड़े आभारी हैं कि जिसने हमें इस अंबाला की इस होनहार बेटी से रूबरू कराया। बड़ी विषम परिस्थितियों में जैसे इस बेटी ने घर की परिवार की जिम्मेदारी को संभाला और खेती को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, ये जिले के लिए प्रदेश के लिए नहीं देश के लिए एक नज़ीर है, एक मिसाल है, एक उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा। और सरकार का ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी सार्थकता इसी में है जब अमरजीत जैसी बेटियों को वाजिब मंच मिले और उससे प्रेरणा पाकर दूसरी लड़कियां भी अपना रोल बखूबी निभाएं। सबसे पहले मैं चैनल वालों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे सभी के सामने मतलब पेश किया और दिखाया कि मैं अपने फील्ड में जो भी काम कर रही हूँ और जिस लेवल पे कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद करती हुई यही कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की आज के टाइम में कम नहीं है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सबको एक बराबर दर्जा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। मैं अपने इसके इसमें एक मेन उदाहरण हूँ कि मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर हैं, वो मतलब वेल एजुकेटेड है और उसके साथ साथ मैंने एजुकेशन भी की है और मैं फील्ड वर्क भी कर रही हूँ। तो हर लड़की को आगे आना चाहिए और आगे बढ़ के वो हर एक काम करना चाहिए जो लड़का कर रहा है। और इसे मैं ही नहीं सारे देश में, और एजुकेशन भी बढ़ेगी और साथ में फील्ड वर्क जो लड़कियां कर रही हैं जिस भी फील्ड में कर रही हैं, एजुकेशन होगी और एग्रीकल्चर होगी और उसमें उसको आगे आना चाहिए। और श्री कृष्ण बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कृष्ण, आप ये बताइए कि टोटल न्यूज ने इस खबर को दिखाया, खबर का असर हुआ है, कृषि विभाग की टीम के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो लेडी फार्मर से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के दरमियान आखिरकार क्या कुछ आश्वासन दिया गया, क्या कुछ कदम कृषि विभाग की तरफ से उठाया जाएगा ताकि अमरजीत को और प्रोत्साहन मिले? बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि हमारे टोटल न्यूज ने इसको प्राथमिकता के हिसाब से खबर दिखाई थी। हालांकि ये खेती अंबाला में काफी समय से कर रही है लेकिन ये हमेशा घर में ही रही और ज्यादातर खेतों में ही काम करती है, लेकिन टोटल न्यूज ने जब इसको प्राथमिकता से इसकी खबर को दिखाया और उठाया तो प्रशासन बिल्कुल हरकत में आया। हालांकि इससे पहले प्रशासन ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया था। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमरजीत कौर ने बिल्कुल पूर्ण रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बीच हमारे साथ खुद बिल्कुल कृष्ण आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ खुद जो लेडी फार्मर है अमरजीत कौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमरजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज पर और वाकई में आज जिस तरह से आपने मेहनत की है और आज आपकी मेहनत रंग ला रही है इसके लिए आपको तमाम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सबसे पहला मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा, यह बताइए आपके अंदर यह जज्बा कैसे आया कि आपको खेती किसानी में लगना है, अब इस तरह से आपको कुछ एक अलग काम करना है? पहले तो मैं सबका थैंक्स करती हूँ, सभी चैनल वालों का और सभी जो देख रहे हैं मेरे को। मैं शुरू से ही इस फील्ड में छोटी ही एज में पापा के साथ काम करती होती थी, बट पापा के बीमार होने के बाद मेरे को बहुत मतलब घर की कंडीशन डाउन होने की वजह से मेरे को लगा कि मैं ये काम करूँ जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और घर का अच्छा खर्चा चल सके। और मैंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी अपनी एग्रीकल्चर को क्योंकि मेरा ये अपना वर्क है जो पूरे बहुत लंबे टाइम से मेरे पिताजी कर रहे हैं, तो मैंने इसी को ही फर्स्ट समझा कि बाहर थोड़े पैसों में जॉब करने से अच्छा है मैं अपना वर्क करूं, अपनी जिम्मेवारी पे करूं। तो मैं काफी लंबे टाइम से यही काम कर रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके, आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ।
जी अच्छा अमरजीत ये बताइए कि आमतौर पर ये देखा जाता है अमूमन कि जो पुरुष हैं वो खेती किसानी काम में लगते हैं, लेकिन आपने एक वाकई में एक अलग तरीके से आपने जो काम करके दिखाई ये आपने दिखा दिया कि कैसे जो महिलाएं हैं वो भी खेती किसानी कर सकती। मैं आपसे इधर से ले पूछना चाहता हूं कि इस दरमियान एक महिला होकर खेती किसानी का काम आप कर रही हैं, आपको मैं देख रहा हूं आप ट्रैक्टर चला रही हैं, क्या कुछ दिक्कतें क्या कुछ परेशानी आपके सामने आई? परेशानियां तो हर एक कोई भी इंसान है अपने फील्ड में वर्क करता है स्टार्टिंग में जब कोई भी स्टार्ट करता है तो परेशानियां तो हर एक इंसान में आती हैं। अगर परेशानी नहीं आएगी तो इंसान कुछ सीख नहीं सकता, तो मेरे को आई है और आ भी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको फेस करती हूँ और उसमें विनर भी रहती हूँ और मैं सब काम अपने खुद करती हूँ और मेरे को अच्छा प्राउड फील भी होता है जब सारे लोग मेरे को देखते हैं मेरा वर्क और लड़कियां और भी पास में जो भी देखते हैं वो अपनी बेटियों को आगे पढ़ा रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जैसे ये लड़की काम कर रही है और तुम भी आगे आओ, तो काफी बदलाव आया है गांव में भी अदर भी जो लोग देखते हैं मेरे को। जी जाहिर सी बात है अमरजीत आपके इस काम को लेकर सभी आप पर नाज करते हैं, कोई संदेश आप हरियाणा की बेटियों को देना चाहती हैं क्या? सर मैं हरियाणा के साथ पूरे वर्ल्ड को हर एक बेटी को संदेश देना चाहती हूँ कि आगे आओ बढ़ो सुख के मत रहो, कोई भी है हिम्मत से काम करो, जिस भी फील्ड में करना है अच्छे से करो ईमानदारी से करो और अपने देश का नाम अपने परिवार का सभी का नाम ऊंचा करो रोशन करो। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको टोटल टीवी की तरफ से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए वक्त देने के लिए और कृष्ण आकाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से अमरजीत कौर जो बचपन से ही अपने पिता के साथ हाथ बटा रही थी मदद कर रही थी खेती किसानी में और उसके बाद जब उनके पिता की सेहत खराब हुई तब उन्होंने पूरी तरह से खुद को खेती किसानी में झोंक दिया और आज उसका जो परिणाम है वो भी उनके सामने है, बाकायदा उन्हें सम्मानित किया गया है।